अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सैतन वीर। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बहुत ही प्यारा आयस मेकअप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने हाईलाइट जिन्हें रेपी करते हैं उस जगह पे हमने स्काई कलर अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया आउट वी एरिया पे। रेडिश शेड है जो हम अप्लाई करें क्रीज लाइन पे एंड आउटर वी एरिया पे अच्छे से। उसके बाद क्रीज लाइन को डिफाइन करने हैं आप लोगों ने, और उसमें अगर आपके पास कंसील है तो कंसील कर ले, वाइट पेस्ट है तो वो अप्लाई कर लें। तो मैं कंसील यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर अप्लाई किए, ठीक है, क्रीज लाइन पे। तो कंसीलर अप्लाई करने के बाद जिन एरिया को आपने नीचे रखा, जो नीचे नीचे एरिया है, उस सबको आपने ब्लेंड कर देना है, कंसीलर लगा लेना है। उसके बाद फिर से अगर तो आपने आउटफिट रेड पहना है, फिर रेड आउटर वी एरिया बना लें, मतलब शेड जो है ना रेड अप्लाई कर लें, या फिर आप ब्लैक भी शेड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइनर अप्लाई किया है, लाइनर में हम डबल लाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने रेड लगाया था, रेड एंड ब्लैक को ब्लेंड करने से बहुत अच्छा कलर आता है, ठीक है। तो जो है ना हमने क्या किया है कि लाइनर शेड जो होता है वही अप्लाई किया है आउट वी एरिया में, कोई डार्क शेड अप्लाई नहीं किया, ठीक है। उसके बाद उसको ब्लेंड कर दिया है, और लाउ लैशेज में भी क्या किया है कि इस पर भी रेड शेड अप्लाई करके हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद लाउ लैशेज पे जब लाइनर लगाना होता है तो आउटर वी एरिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी ब्लेंड करना है ताकि लाइन अलग से शो ना हो, ठीक है। इस तरह हमने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद डबल लाइन निकालनी है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और हल्का सा लाइन निकालना है। कुछ होती है डबल लाइनर में, बहुत लंबी लाइन भी निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल छोटी सी लाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, फिक लैशेज लगा दी है, और उसके बाद ग्रीन शेड के हम जो है ना ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं, सीलर लगा के फिर ब्रश के साथ ग्लिटर अप्लाई करती है। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसके बाद इनर कॉर्नर बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इनर कॉर्नर एरिया पे आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट के बाद हमने ये इनर कॉर्नर बना लिया है, और उसके बाद जो है ना लाउड लैशेज में वाइट लाइन में वाइट जेल लाइनर अप्लाई किया। बाद में फिर से लैशेज लगाने के बाद फिर से आप लाइनर अप्लाई करेंगे ताकि आपके जो लैशेज हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।